हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं हूँ संगीता और मैं बनाती हूँ ऐसे वीडियोस जो आपको हेल्प करते हैं आपकी डेली लाइफ में। आपके घर में बहुत ढेर सारा कबाड़ होता है, उन ढेर सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर के लिए, सजाने के लिए बहुत ढेर सारे आइटम, और अपने घर को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे पास पड़ी थी ये कुछ ग्लास की जो बॉटल्स होते हैं ना, इस तरह से हम लोग दूध वगैरह लाते हैं या फिर जूस वगैरह लाते हैं, तो इस तरह की बॉटल्स हम लोग को ईजिली मिल जाते हैं उनके साथ में। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनका ही कुछ लुक चेंज किया जाए, और जिसे कि हम अपना शो पीस की तरह रख सकते हैं घर में, एज ए डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए इनको एक्रेलिक कलर से, देखिए इस तरीके से कलर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किए हैं यहाँ पे, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ में देखिए इस तरीके से वाइट किया है, और उसके साथ में मैंने वाइट और रेड को मिक्स करके हल्का सा कुछ पिंकिश टाइप का कलर बनाया है। तो एक बॉटल में मैंने वो किया है, देन उसके बाद में हम अपनी सेकेंड बॉटल को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक एक कोट ही किया है, और मैं स्पंज की हेल्प से इसे लगा रही हूँ, क्योंकि स्पंज से जो इसमें कलर का जो शेड आता है ना बहुत अच्छा आता है। ब्रश से हम करते हैं तो ब्रश के स्ट्रोक दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब स्पंज से करते हैं ना तो बहुत अच्छा कलर का जो स्ट्रोक नहीं आते, और काफ़ी अच्छा कलर का जो सेट होता है ना वो निकल कर आता है। तो इस तरीके से देखिए मेरी दो बॉटल्स मैंने रेडी कर ली हैं। तो नीचे एक मैंने पिंक किया है, एक में वाइट और पिंक किया है, तीसरी बॉटल में देखिए इस तरीके से वाइट किया है और ब्लू के साथ में कुछ वाइट मिक्स कर दिया है, तो एक नया कलर बना दिया है, तो वाइट और स्काई ब्लू टाइप का हो गया है। और एक थर्ड बॉटल में देखिए इस तरीके से नीचे पिंक और वाइट को मिक्स करके लगाया है, और ऊपर वाइट और ब्लू को मिक्स करके लगाया है। तो इस तरीके से मैंने तीनों बॉटल्स को रेडी कर लिया है। तो देखिए इसको सुखा लेते हैं, फिर फाइनल लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पानी की बॉटल ली है, आप कोई भी पानी की बॉटल ले सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने जो POP पाउडर आता है, वाइट सीमेंट आता है, आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच लेना है, थोड़ा सा फेविकोल डालना है और थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, और हमें बना लेना है एक पेस्ट। पेस्ट आपका बहुत रनी नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा देखिए एकदम हार्ड भी नहीं चाहिए। हमें इस तरीके का पेस्ट चाहिए जो हमारी बॉटल के ऊपर आराम से लग जाए। तो इस तरीके से फिंगर की हेल्प से आप पूरी बॉटल को, इस जो हमने ये मिक्सचर बनाया है ना, इससे इसको पूरा कवर कर दीजिए। और उसके बाद हमें लेने हैं मिरर्स लेने हैं, और मिरर्स को आप इवनली किसी भी तरीके से, देखिए इस तरीके से आप कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बीच बीच में सारे जो मिरर्स हैं ना उनको लगा दिया है। अभी देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है, फाइनल लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। तो अगले आइडिया में हम यूज़ करने वाले हैं फूड कंटेनर, जो इस तरह से हम फूड वगैरह खाने के लिए आता है ना, तो उसके साथ जो बॉक्सेस आते हैं उनको यूज़ किया है। ब्लैक कलर से इसे देखिए इस तरीके से पहले कलर कर लेंगे, और उसके बाद में इसको अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद में A4 साइज़ की जो शीट्स आते हैं ना उनको लेना है, और इस तरीके से छोटी सी पट्टियाँ काट लेनी है, और देखिए इस तरीके से काटते जाएंगे, ट्रायंगल शेप हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें लेना है जो हमारा बॉक्स है ना, तो इसे देखिए ऊपर का जो जहाँ पे हम लिड लगाते हैं वो एरिया आता है ना, वहाँ पे हमें इस तरह से दोनों तरह से कट करना है। देखिए इस शेप में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, बिल्कुल सेपरेट नहीं करना है उसको, हमें फेविकोल लगाते जाइए और अपने हिसाब से जो ये हमने काट के रखे हुए हैं ना इनको चिपकाते जाइए। किसी भी तरीके से आप चिपका सकते हैं इनको, ऊपर नीचे या फिर किसी भी डिज़ाइन में आप इनको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करते जाएंगे, करते करते हमें पूरे बॉक्स को कवर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा बॉक्स कवर हो चुका है। अब हमने जो ऊपर की देखिए इस तरीके से जो हमारी स्ट्रिप थी ना उसको हमने कट किया था, उसको किसी धागे से देखिए इस तरह से सिक्योर कर देंगे अच्छे से, जिससे कि वो वहाँ पे हमारे जो सेपरेट ना पोर्शन बन जाएंगे। तो ये सेपरेट पोर्शन बनने की वजह से इसे हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी सामान इसमें रखेंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, और वो इधर उधर गिरेंगे भी नहीं, और इस तरीके से आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ों में। तो चलिए सारी चीज़ों का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारी बॉटल सूख गई है, जो ऊपर के एरिया है ना इसे आप कवर कर सकते हैं, किसी भी डोरी से कवर कर दीजिए, और ये रहा हमारी बॉटल्स का देखिए फाइनल लुक। तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।